यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है सबका वो करा लिया जाए, इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन कर रही है। लेकिन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन जो स्पॉट है, एक बार फिर वो स्पॉट आपको हम दिखा देते हैं, उसी स्पॉट पर यहीं पर ये गोली चली है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, दो लोगों को और गोली लगी है जिसका इलाज पटना में चल रहा है, पटना रेफर किया गया है। उन लोगों को जो ये कॉलेज देख रहे हैं उन्हीं का है जिनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव बाद हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। आप देखिए हम जहां पर मौजूद है यही वो जगह है, यहां से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर वो जो पोलिंग बूथ है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था कल शाम में। रोहिणी आचार्य जो यहां से आरजेडी की लोकसभा उम्मीदवार है वो यहां पर उस बूथ पर पहुंची थी और उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था जब दो पक्ष आमने सामने आए थे और जिसके बाद यहाँ पर जो हालात है वो लगातार बिगड़ा। लेकिन कल शाम को पुलिस ने इस हालात को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज सुबह सुबह फिर एक बार यहाँ पर स्थिति खराब हुई और यहाँ पर गोलीबारी की घटना जो है वो सामने आई है। एक शख्स की मौत हुई है इस गोलीबारी में और दो शख्स जो है वो अभी भी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। आप देखिए यही वो जगह है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो आप बाइक देख रहे हैं टूटा हुआ, इसी जगह पे ये गोली कांड जो है वो हुआ है, यहाँ पर गोली मारी गई है। सामने खून के धब्बे भी अभी तक हैं, हालांकि पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती है, चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। तो ऐसे में कोशिश है पुलिस प्रशासन की कि वो चीज़ों को कंट्रोल करे और यही स्पॉट है, इसी जगह पे ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि जो चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य बूथ पर जब पहुंची थी यहीं बगल के बूथ पर, वहां पर विरोध हुआ था उनका, उसके बाद दूसरा पक्ष जो है उसने इसका विरोध किया, एक दूसरे से यहां पर कल झगड़ा भी हुआ था दोनों पक्ष के बीच। लेकिन उस समय तो स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आज सुबह इसी चौक पर, ये जो आप चौक देख रहे हैं कर्पूरी चौक है ये, और यहाँ पर कुछ दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर जुटे थे और इसी दौरान बात जो है बिगड़ गई, दोनों के बीच तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद यहाँ पर कुछ जो बताया जा रहा है कि कुछ युवक यहाँ से विरोध करते हुए जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के यहाँ पर प्रदेश में कार्यकर्ता हैं, उनके घर तक पहुँच गए थे और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जवाब में गोली उधर से चलाई गई जिसमें तीन लोग घायल हुए, जिसमें एक की मौत हो गई और दो जो है वो अभी भी घायल है। और जिस शख्स को गोली लगी है उसका घर जो है वो यही इसी रास्ते से आगे जाने पर लगभग आधे से एक किलोमीटर की दूरी पर उस शख्स का घर है। पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती है, किसी को अभी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, स्थिति तनावपूर्ण है इस वजह से, लेकिन यहीं पर उस शख्स का घर है। तो स्थिति को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है क्योंकि जब यहाँ पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था उसके बाद शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया और प्रशासन की प्रायोरिटी है कि कैसे जल्द से जल्द शव को यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है सबका वो करा लिया जाए, इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन कर रही है। लेकिन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन जो स्पॉट है, एक बार फिर वो स्पॉट आपको हम दिखा देते हैं, उसी स्पॉट पर यहीं पर ये गोली चली है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, दो लोगों को और गोली लगी है जिसका इलाज पटना में चल रहा है, पटना रेफर किया गया है उन लोगों को। और यही वो जगह है, यही स्पॉट है जहाँ पर ये गोली चली है। यहाँ पर देखिए सीसीटीवी फुट कैमरा भी एक घर के ऊपर लगा हुआ है जिस जगह पे ये गोलीबारी हुई है। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी तमाम चीज़ों की तो इस फुटेज को भी देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने, कैसे गोली चली, कौन लोग इसमें शामिल थे, ये देखना होगा। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोलंकी बीएड टेक्निकल जो ये कॉलेज देख रहे हैं उन्हीं का है जिनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। तो कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है कि चीज़ों को सामान्य किया जाए,
कंट्रोल किया जाए और इसी वजह से पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और प्रशासन अलर्ट पर है, अगर इस तरह की कोई घटना घटे तो उसको कंट्रोल किया जाए। लगातार इसे लेकर अनाउंसमेंट भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, यहाँ भीड़ नहीं जुटने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज से 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर बंद कर दी जाएगी, उसके बाद चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ, भारत, छपरा।